भाई जो विधना ने लिख दिए ये छठी रात के अंक आज तिल घटे निराही बढ़े सुरहरे जीव निसंक। भाई रघु राजा की सुता का चंद्रवती था नाम रूपवती थी भान सम सकल कला गुण धा। रघु राजा की कन्या राज दुलारी थी रूपवती वा भारी देखो होनी से ना पारे बसार कर मन की रे खान्यारी जो लिख दिया लेख ले लाड़ी सो मेटे से ना मिटता चाहे लाखो कर उपाय। त्रेता युग की बात है, अयोध्यापुरी में रघु राजा नामक राजा राज करता था। रघु राजा के एक कन्या हुई, उसका नाम चंद्रभागा था। ये चंद्रभागा बहुत ही रूपवती थी और सारी कलाओं में निपुण थी। देखो जो विधाता अंक लिख देते हैं वो कभी भी झूठे नहीं होते। आ कन्या बिचारी भोली थी भारी होली से देखो ना कोई पार बसावे गंगा जी नावे
सजनों, देखो क्या होता है कि जो विधाता अंक लिख देते हैं वो कभी भी झूठे नहीं होते। तो चंद्रभागा रोज सकीन के साथ में गंगा जी पर स्नान करने को जाती थी। एक दिन क्या होता है कि चंद्रभागा सकीन के साथ गंगा जी नहाने के लिए गई और वहां पर उसी गंगा जी की तीर पर पहली बार उद्दालक नाम का ऋषि तपस्या करता था। एक दिन स्नान करके चंद्रभागा तीर पर खड़ी हुई थी और चंद्रभागा की तरफ उस उद्दालक ऋषि की नजर पड़ी। अब क्या होता है, अरे कि बाबा ने देखी माई बाबा मन में उमंग उठाई सारी उमर गई बिताई मैंने करोल प्यार सगाई रे या मैं सब गलती मोरी हर बोसु छोटा छोटा जिनके खेले छोरा छोरी मैं डूजी डोलू रंडा काई धरो पूजा पाटल में दुनिया के सब संता डूजी धरती पे आयो हाथन से शेखू मंडा जिनके खेले छोरा छोरी मैं जूझी डोलू रंडा काई धरो पूजा पाटन में दुनिया के सब संता जूझी धरती पे आयो हाथन सोचे घूमंडा अरे देखता ही हो गो कर माटी में किसा मिलाऊ मुने सोच करे अपने मन में की कह या दल समझ में आवे अरे या कुछ छोड़ दे हुए गंगा में करे अपने मन में की कहिया दल समझ में आवे अरे आपको छोड़ दे हुए गंगा में हाँ प्यारे सजनों क्या होता है कि जब उद्दालक ऋषि ने उस कन्या को देखा तो एकदम कामदेव की तरंग उठी और कन्या को देखते ही कहने लगा कि हमने संसार में आकर कुछ नहीं किया। ऐसा विचार करके बहुत ही ज्यादा मोहित हो गया। मोहित होते ही क्या होता है कि उद्दालक ऋषि के शरीर से उसके अंश नष्ट हो जाते हैं और भारा ही व्याकुल होकर सोचने लगा अरे ये कह या दल समझ में आवे अरे आपको छोड़ दे हुरे गंगा में कमल को लाए बाकी बना भोगड़ी फूल दियो गंगा के बीच बहाए तेरे करीन पल की देर नसी झट फूल कमल को लाए बाकी बना भोगड़ी फूल दियो गंगा के
के बीच बहाए। हाँ प्यारे सजनों, ऋषि उद्दालक अंश को देखकर सोचने लगा कि हे भगवान, मेरी तपस्या शायद है नष्ट हो गई, लेकिन अब इसका क्या करना चाहिए। जो ये अंश है वो बड़ा ही अमोलक वस्तु है, इसका अब क्या करना चाहिए। ऐसे मन में विचार करके ऋषि ने सोचा कि एक फूल का कमल तोड़ कर लाए और फूल में उस अंश को जमाया और तुरंत ही उस गंगा जी में बहा दिया। अब आगे क्या होता है। अरे भय तो फूल कमल को चांदा वाला ढिंगे खाए गया। या बोली या बहन बोली चंद्रा वाले बहन झंडे उठा फूल को सूंघ लिया। क्या होता है कि ऋषि उद्दालक ने उस कमल के फूल में उस अंश को जमा कर गंगा जी में बहा दिया। सजनों, कर्म गति बड़ी ही बलवान होती है, तो वो फूल गंगा जी में बहता बहता आ रहा था और वो फूल उसी चंद्रभागा के पास में आ गया। उस फूल को देखकर चंद्रभागा कहने लगी कि बहन, ये फूल बड़ा ही सुंदर है, इस फूल को आप मेरे पास लाओ। सखी उस फूल को गंगा जी से निकाल कर ले आई और उस फूल को उसको दिया। चंद्रभागा ने उस फूल को सूंघ लिया। सजनों, अब आगे क्या होता है। अरे भाई दिन से रह गया घर में चंद्रावले राज दुलारी के देखो हरे की कृपा सजनों, जब चंद्रभागा ने उस फूल को सूंघा तो भगवान की अति ही प्रबल लीला होती है। उस फूल को सूंघने से उसी दिन से चंद्रभागा गर्भवती हो जाती है। अरे भाई दिन से रह गयो गर्भ में चंद्रावले राज दुलारी के देखो हरे की कृपा कसो लाजो कलंक सुख मारी के। सकियन के संग आ गई और चंद्रावली हरे साय आज ठीक पड़ो कछु दिनन में तो मन ही मने पसताए। सजनों, उस फूल को सूंघ कर चंद्रभागा ने वापिस गंगा जी में डाल दिया और सकियन के साथ साथ
स्नान करके अपने घर पर आ पहुंची। कुछ दिन के बाद में चंद्रभागा को मालूम पड़ा कि मेरे साथ में कोई धोखा हो चुका है। अब मन में किस प्रकार से विचार कर रही है, अरे चंद्रावल विचार मन ही मन में कर रही है, कर जो माफ कसूर राम मो पे गलती हो गई है, अरे इज्जत हुई बेकार सारे अब जीवा में नहीं है, कांटा में भैरो जी कब जो भारी हो गई है। जब चंद्रभागा को मालूम हो चुका कि मैं गर्भवती हो चुकी हूँ, मन ही मन में पछताने लगी कि हे विधाता, तैने ये मेरे भाग्य में क्या लिख दिया, क्योंकि अभी मैं कुंवारी हूँ और मेरे कुंवारी के ये कलंक भगवान आपने क्यों लगाया है। मन ही मन में विचार करने लगी कि हे विधाता, मेरे माता पिता इनको मैं किस प्रकार से मुख दिखलाऊंगी, और जो मेरी सखी सहेली है उनके साथ में मैं किस प्रकार से हंस हंस कर बात करूंगी। अरे मेरी साकी सहेली के संग में, अरे कैसे हंसे हंसे बात बना। Okay.
तक या पूरे नहीं छिपवा में आवे। अरे एक दिन या बात या करी चौड़ा में आ जावे। और या काई छानी रह तुम या को ये लो पाड़ जगावे। या बंद राम कुल काटे मार नाक काल सो पाटे। तेरे रोटी तक नहीं बाय मेरे लंबाद पेट में जल गई आ तेरे तमासो प्रभु माया को पाले भारे में काई बन जावे। अरे या कांचन सी काया को चंद्रभागा मन ही मन में विचार करने लगी कि हे परमात्मा, मैं मेरे बचपन से ही सही रास्ते पर चल रही हूँ, लेकिन ये आपने क्या कलंक लगाया। इस प्रकार चंद्रभागा मन ही मन में विचार करने लगी। विचार करते करते थोड़े ही दिन में उस नगरी के नरनारियों को यह महसूस हुआ कि चंद्रभागा गर्भवती है। वहां पर सारे नर नारी आपस में बात करने लगे। एक दिना दासी बोली कि हे भाई साहब, आप ये बताओ कि आप आडा पल्ला कैसे
रखने लग गई। अरे दासी बोली भाई भोजी कैया राखो आड़ पर चोरी के चौदा जूती गले में से नाक कटवाए दही। मालूम हुआ कि चंद्रभागा कुंवारी ही गर्भवती हो गई है तो धीरे धीरे ये चर्चा चंद्रभागा के माता पिता को भी मालूम हो गई। अब राजा और रानी आपस में बात कर रहे हैं कि हे भगवान, इस लड़की ने हमारे रघुवंश को दाग लगा दिया। इस प्रकार से आपस में बात कर रहे हैं। रानी कहने लगी कि हे महाराज, इस लड़की को आप यहां से निकलवा दो। हो भूपाल ने और दो जला दे बुलाए, आज देश निकाला को दियो
तो भाई बापू कमे सुना। भाई देश निकाला को दियो तो बापू कमे सुना। अरे रोवे है कुमारी प्रभु राजा की दुलारी प्रभु की अपारे माया। उच्च क्वालिटी वाजिब दाम सब कुछ वापर एक ही नाम टैक्सन टैक्सन टैक्सन। गायक पंडित ध्रुवालाल शर्मा साथी मोहन सिंह व हीरालाल। ढोलक मास्टर विश्व भारती तबला मास्टर इसका सहयोग हरिवास सर्विस एंड म्यूजिक सेंटर चिकंदरा व गर्ग एंड कंपनी नया बाजार अग्रवाल एंड कंपनी नया बाजार। बॉम्बे रेडियो सेंटर बालाजी का चौक शिव एंड कंपनी बालाजी का चौक चोपड़ बाजार गंगापुर सिटी। हाँ प्रिय सजनों, क्या होता है कि रघु राजा ने नाराज होकर चंद्रभागा को महलों से निकाल दी।
और अब चंद्रभागा जंगल में रहने लगी, हर प्रकार के कष्ट सहने लगी। इसी प्रकार से रहते रहते 8-9 महीने जब बीते तो क्या होता है कि 9 महीने के बाद में चंद्रभागा के यहाँ श्री नासकेत जी ने जन्म लिया। अरे रात दिना टकराए बिचारी को बात याद कर फाटेगी ओ 9-10 मास बाद कन्या के नासकेत जी ने जन्म लिया। जन्म कहे चंद्रावल या चतरी को कर्म नहीं, उयो नाक से पैदा तेरो मुख देखल को धर्म नहीं। बाई ने सलाह बनाई एक बक्सो लियो मंगाई, तेरे नाच खेत कुआ बक्सा में दिनो बंद कराई। गंगा के घाट पे आई बब जल में दियो बहाई, अरे या तेरो हो गयो आज से जे हो गंगा भाई। मैंने गोदी में संभालो तो तू मेरो छैया, या की तू ही तो करेगी रखवाड़ी। अरे या पुत्र बोले तू मैया, चंद्रावल या चतरी को धर्म नहीं, उयो नाग से पैदा तेरो मुख देखल को धर्म नहीं। बाई ने सलाह बनाई एक बक्सो लियो मंगाई, और नाच खेत कुआ बक्सा में दिनो बंद कराई। गंगा के घाट पे आई बब जल में दियो बहाई, अरिया तेरो हो गयो आज से जय हो गंगा माई। मैंने धोती से संभलायो तो तू मेरो छैया, या की तू ही तो करेगी रखवाली। अरे या पुत्र हरे तू मैया, तेरे चक्कर में पड़ गई गंगा जी, या ने बंद बुरो पायो, या मेरो हो गयो आज से या की माले चमड़ायो। नाच पड़ो मोकू या है ओ दाला को जायो, बाबा की कुटी उतर मैं बह रही हूँ दक्षिण में, और खोजा हूँ बाबा डिगिया को। सोच करे यो मन में रखो पालन तो करे गो भाई भीते मांगा, ऐसे सोच समझ करे बाबा। अरे जट उलटी बह गई गंगा, पड़ गई गंगा जी या ने बंद बुरो पाया, या मेरो हो गयो आज से या की माले संभलायो। यो नाच पड़ो मोकू या है को दालर को जायो, बाबा की कुटी उत्तर मैं बह रही हूँ दक्षिण में, और पोचा हूँ बाबा डिग या को। सोच करे यो मन में रखो पालन तो करे गो भाई भीते मांगा, ऐसे सोच समझ करे बाबा। अरे जट उलटी बह गई गंगा, सजनों क्या होता है कि जब नासकेत जी का जन्म हुआ तो जन्म होते ही चंद्रभागा उसको देखकर कहने लगी कि अरे दुष्ट तू कौन है, तैने मुझे कलंक लगा दिया और मैं तेरा मुख नहीं देखना चाहती हूँ। तो चंद्रावल ने क्या किया, एक बक्सा बनवाया और बक्सा को लाकर उस बक्से में उस नासकेत को सुला दिया और उसको बंद करके उसने हाथ जोड़कर गंगा जी में बहा दिया और कहने लगे कि हे गंगा ये पुत्र आज से तेरा हो गया। ऐसी बात को सुनकर गंगा जी भी चक्कर में पड़ गई कि वास्तव में ही अगर इसने मुझे दे ही दिया तो ये मेरा ही पुत्र है। गंगा विचार करने लगी कि मुझको ये भी मालूम है कि ये पुत्र
वो दालक ऋषि का है और मैं उत्तर में बह रही हूँ, इधर वो दक्षिण में, इसलिए विचार करके गंगा जी उल्टी बह गई। अरे यो सोच समझ कर बाबा, अरे झट उलटी बह गई गंगा। नजर पड़ी बादशाह को पकड़ कर खींच लिया। सजनों क्या होता है कि जब गंगा जी उल्टी बह गई और उद्दालक ऋषि के यहां पर वो बक्सा बहता बहता पहुंच गया, उद्दालक ऋषि ने उस बक्से को निकाल लिया और उस बक्से को खोलकर देखा तो उसमें पुत्र बैठा मिला। उद्दालक ऋषि ने उसको निकाल लिया। देखो भगवान की कैसी प्रबल लीला होती है कि दोनों बाप और बेटा कैसे मिला दिए। अरे देखा तुरंत खोले बादशाह को, जिसमे कुमार मिला बैठा, देखो हर की कृपा मिला, घर बैठा दोनों बाप बेटा। कुटिया की चौका बारी, बारम राजा की बाजी, एक दिन कुटी पे आई, अरे बाबा जी के असी लगे दर छोरा तेरी माई, सब चार पूत लिया सारा, कुण माता पिता तुम्हारा, चंद्रावल्ले हाल सकेटा के दिया न्यारा न्यारा, सुने बातें खुशी भारी छाई, मिले लिया कुटी पे सुनो बाप बेटा माई। कुटिया की चौका भारी, बारह राजा की बारी, एक दिन कुटी पे आई, बाबा जी के असी लगे दर छोरा तेरी माई, सब चार पूत लिया सारा, कुण माता पिता तुम्हारा, चंद्रावल्ले हाल सकेटा के दिया न्यारा न्यारा, सुने बात खुशी भारी छाई, मिले लिया कुटी पे सुनो बाप बेटा माई।
गांव क्या होता है कि उद्दालक ऋषि ने उस लड़के को निकाल लिया और वहां पर आराम से रहने लगे। कुछ दिन बाद में लड़का जवान हो जाता है। भगवान कृपा से चंद्रभागा एक रोज कुटी पा जाती है और आते ही वो उद्दालक कहने लगा कि हे नाग के, इसकी सूरत ऐसी लगती है नहीं मालूम तुम्हारी माँ हो। देखो भगवान की कैसी पवन लीला है कि वो तीनों वहाँ पर मिल गए और उनको ये मालूम भी हो गया कि हम तीनों एक ही है। अरे मिल लिया कुटी पे सुनो बाप बेटा माही, अरे ऋषि उद्दालक जायो रे रघु राजा ढिंग आयो, अरे पूरन कर दे आस भूप को ऐसे वचन सुनायो, मार मन की आस को जादे सारी कल्या को राजा मारे संग जावर साजे, हो राजा लाजो समझावा घर बिन की बात बतावा, और चंद्रावल पूजे सुन कालो दे दियो मैंने बाबा तो सुखो ना तू बचन मारा सुन लीजो, तो पूपा जावे वा छोरी मुनी राज प्यावे वा सुकर लीजो। झायो रे रघु राजा ढिंग आयो, मेरे पूरन कर दे आस भूप को ऐसे वचन बुझायो, रे मर मन की आस बुझा दे थारी कन्या को राजा मारे संग ब्यावर था दे, वो राजा लाजो समझावा घर बिन की बात बतावा, और चंद्रावल को देश निकालो दे दियो मैंने बाबा तो सुखो ना टू वचन मारा सुन लीजो, तो कुपा जावे वा छोरी मुनि राज ब्यावे वा सुकर लीजो। जायो रे कुटी पे उल्टो आयो, उद्दालक बाबा ने वो कन्या संग ब्यावर छायो, देखो ईश्वर की माया नाथ के तने माँ बापन का फेरा माँ पड़वाया, अरे तुसी बड़ी है भारी चंद्रावल राज दुलारी, दुर्गा लाल कहे जग बेली ला स्वामी की नारी, श्रोता गणे आराज सुनो मारी, माँ बापन का ब्यावल में अरे वा पुत्र बनो अधिकारी। अरे ऋषि उद्दालक जायो रे कुटी पे उल्टो आयो, उद्दालक बाबा ने वा कन्या संग ब्याव रचायो, देखो ईश्वर की माया नाथ के तले माँ बापन का फेरा माँ पड़वाया, रे तुसी बही है भारी चंद्रावल राज दुलारी, और दुर्गा लाल कहे जग में लीला स्वामी की नारी, श्रोता गण आराध्य सुन।